अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग से खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे और खुशियाँ फैलाते रहें। और आपकी जो मेरी रेसिपी है वो है बेसन सैंडविच, और बहुत यम्मी बनते हैं और बहुत ही ईजी रेसिपी है। बहुत टाइम बाद बना रहे हैं हम लोग, तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप लोगों से एक और बात कहनी थी कि जो मेरे चैनल के ऊपर आकर कमेंट्स करते हैं ना, तो वो तकरीबन 2 मिनट तक मेरी वीडियो को देखा करें, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। क्योंकि होता ये है कि आप लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं जल्दी से और कमेंट कर देते हैं, तो उसके बाद जो है मैं जब चेक करती हूँ तो बढ़ जाते हैं, फिर उसके थोड़ी देर बाद ही कम हो जाते हैं सब्सक्राइबर। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि 2 मिनट तक मेरी वीडियो लाजमी देखा करें और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू फ्रेंड्स, छोटी सी टिप थी आप लोगों को बतानी थी। तो हमें चाहिए होमका रेसिपी बनाने के लिए जो सामान मैं आपको बता देती हूँ। बेसन मैंने 1 और आधा कप ले लिया था, स्लाइस के पीस ले लिए हैं 1, 2, 3, 6 स्लाइस के पीसेज हैं, हरी मिर्च बारीक कटी हुई है, 2 अंडे हैं, प्याज हैं, और हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डालेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हमने जो मसाले डाले वो मैं आपको बता देती हूँ। हल्दी 1/2 स्पून, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, अभी तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, बाद में मैं अगर कम ज़्यादा होगा तो कर लूँगी। और लाल मिर्च भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टेबल स्पून, और हरी मिर्च और प्याज मैंने ले लिया था 1/2 बारीक कटा हुआ। हरी मिर्च की क्वांटिटी भी मैं आपको बताती हूँ। हरी मिर्च मैंने डाली थी तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्च डाली थी। और अब हम इस बैटर को बनाने के लिए हमने करना ये कि हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेना, पेस्ट थिक बनाना है ताकि हम अंडे डालें तो बिल्कुल पतला ना हो। मैंने तकरीबन इसमें 1/2 कप पानी डाला है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। सो फ्रेंड, बेसन का जो मिक्सचर था वो मैंने थोड़ा कम कर दिया, आप देख सकते हैं। वो मैंने इस वजह से कम कर दिया क्योंकि उसके पकौड़े बना लेंगे और इसके लिए हमें इतना पतला बैटर चाहिए था। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 eggs और इससे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आज मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, आप देख सकते हैं। तो क्या कहते हैं, मैंने अभी 1 ही स्लाइस को कट किया है, आप ही देख सकते हैं। मैंने बाकियों को इसलिए कट नहीं किया क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ कि ऐसे कट करके डालूँगी तो एकदम नरम ना पड़े और टूटे ना, तो इस वजह से मैंने सिर्फ 1 को ही कट किया। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं खुदा का नाम लेके। हमने बिल्कुल इसको हल्की आंच पे बनाना, आप देख सकते हैं 1 बनके रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है, यम्मी लग रहा है। 2nd मैंने डाला है और इसकी भी मैं थोड़ी बहुत सोच रही हूँ इसको वेस्ट ना करूँ, कुछ कर लूँ बना लूँ, तो वही सोच रही हूँ क्या करूँ इसके साथ। तो तभी तो मैंने अभी इसको ऐसे चूरा चूरा कर रही हूँ, तो मैं बताती हूँ कि इसके साथ मैं क्या करूँगी कि जैसे हम इसको भी खा लें इसको वेस्ट। बार बार यही प्रोसेस करना है कि बस इसको इसमें डिप करना है ब्रेड को और बेसन के अंदर, और थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर आपने इसको लाइट और कम आंच पे बनाते रहना। तो मेरे 2 तो बनके तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बस ये तीसरा है, 6 बनाने हैं मैंने। ये मेरे सैंडविच, बेसन के सैंडविच बनके तैयार हो गए। अब इसको हम रख लेंगे साइड पे और अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ। तो ये मैंने ले लिया बेसन, मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी, इसको इसमें ऐड कर दूंगी सारे को। समझ लें ब्रेड के पकौड़े बना रही हूँ, समझ लें आप ये कि मैं ब्रेड के पकौड़े बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि हम इसकी रोटी भी बना सकते हैं, इसकी रोटी भी बन सकती है बहुत अच्छी,
और मैं इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। देखिए ना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बंदा न्यू क्रिएशन कह लेता है, न्यू खाना न्यू तरीके से बना लेता है। बस ये थोड़े थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, दिमाग चलाना पड़ता है तो हो जाता है। इसमें थोड़ा सा और मैं बेसन ऐड कर दूँ। चूल्हा बंद हो गया? नहीं नहीं चल रहा है। तो हम इसको ऐसे रख देंगे। इसके अंदर ही रखा वो, ये फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ, ऐसा दिमाग चला रही हूँ। इससे पहले कभी नहीं चलाया। मैंने बोला क्यों हम एक चीज़ को वेस्ट करें, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो मम्मा ने बोला कि हाँ, इन सबको इसमें बेसन में डाल के तो फिर आप पकौड़े टाइप बना लें। मैंने सोचा कि हाँ यार, ये सही है। तो ये मेरे ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली वीडियो भी पसंद है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो इसे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर रेसिपी आपने देखा जैसे कि बनके तैयार हो चुकी है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये ईजी और छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। ये मेरी मम्मा ने मुझे बताया कैसे आप बना लें, बहुत अच्छी बनते हैं हम मम्मा की रेसिपी है। तो मैंने सोचा कि बहुत ईजी है बना लेती हूँ, आप लोगों से भी शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ऐसी भी रेसिपी बन सकती है। आप लोग अपना दिमाग लगा के बहुत सी रेसिपीज़ आप बना सकते हैं छोटी छोटी सी। तो ऐसी और अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और हम मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और मेरी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक खुद ही पहुँच जाया करेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।